हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हैदराबाद में अभी मेरा लास्ट दिन है। आज फर्स्ट डे मैं गया था चार मीनार, सेकेंड डे मैं गया कहीं पे भी नहीं, सेकेंड डे मैं रूम पे था, और आज का थर्ड डे है जो अभी मैं जा रहा हूँ मेट्रो में। सो सेकेंड डे मुझे जाना था रामूजी फिल्म सिटी, बट मैं नहीं जा पाया क्योंकि यहाँ पे प्रोटेस्ट था अगेंस्ट NCERCAA के। सो ये रीज़न था कि हम लोग ने वहाँ नहीं जाना सोचे, क्योंकि हम लोग जहाँ रुके होटल में वो जगह से रामूजी फिल्म सिटी में कुछ 30 किलोमीटर जाने 30 किलोमीटर आने, यानी कि 60 किलोमीटर का डिफरेंस है। सो यही रीज़न के जैसे हम लोग बोले कि नहीं, वो दिन हम लोग घर में बैठे, और आज का जो हम लोग मॉर्निंग से निकल के घूम रहे हैं। ऐसी कतर के मेट्रो में घुमा हूँ, और मुंबई में तो मोनो में मैं बैठा हूँ, बट मेट्रो तो अभी मुंबई में बन रहा है, इंशाल्लाह वो जल्दी बन जाए। बट अभी मैं हैदराबाद के मेट्रो में बैठने जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग के पास कुछ करने के लिए है नहीं, तो क्या करना है या क्या करना है, बल्कि हम लोग बोले चलो मेट्रो राइड करते हैं। क्योंकि मेट्रो राइड हम लोग कर रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि हम लोग ने मॉर्निंग 6 AM को हम लोग का होटल से चेकआउट कर दिया है। सामान हम लोग होटल में ही, हम लोग का जो भी बैग वैग था वो हम लोग होटल में ही रखे, और बाकी हम लोग उसको बोले कि हम लोग की जो ट्रेन है मुंबई की वापस, वो कुछ 11:30 की है, तो तब तक हमारे बैग तुम होटल में ही रखो, हम लोग थोड़ा हैदराबाद घूमते। बट मेन जो घूमना था मुझे रामूजी फिल्म सिटी था, बट चलो ये टाइम नहीं, नेक्स्ट टाइम आऊँगा मैं ज़रूर, सिर्फ रामूजी फिल्म सिटी के लिए आऊँगा। बाकी मुझे तो हैदराबाद में ऐसा मुंबई वाली बात नहीं लगी, मुंबई की बात कुछ और ही है। शायद पूरे वर्ल्ड भी चले जाओ तो मुंबई जैसा मज़ा कहीं नहीं है, मेरे को ऐसा लगता। तो अभी चलो मेट्रो जाते हैं, चलो नूर भाई, कोहिनूर। और ये मेट्रो का स्टेशन, और अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे मालूम? अमीरपेट। देखते अमीरपेट में कितने अमीर है। मेट्रो स्टेशन को देख के तो एक बात तो दिल से बोलना पड़ेगा, क्लीन और नीड है यार, एकदम क्लीन है और एकदम नीड है। सच में ऐसा लग रहा है कि कोई बाहर के स्टेशन पे हूँ मैं, इतना साफ है। वाओ हैदराबाद, वाओ। अभी अमीरपेट स्टेशन से हम लोग नीचे आ रहे हैं, और नूर बोल रहा था नीचे नहीं जाते, ऊपर ही ऊपर से अपन दूसरा मेट्रो लेके सिकंदराबाद स्टेशन चले आएंगे। बट मैं बोला नहीं, अगर अमीरपेट आए हैं तो अमीरपेट में कुछ एक चाय वाय तो पी के देखते हैं अमीरपेट की कैसी होगी। एलबी नगर नूर, एग्जिट एग्जिट एग्जिट, यहाँ एग्जिट, यहाँ है ना एमरजेंसी एग्जिट। एग्जिट यहाँ रह के हम लोग कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। सच में ऐसा लग रहा है एयरपोर्ट में यार, नूर एयरपोर्ट वाला ही फील आ रहा है, बैकग्राउंड देखने से लग रहा है एयरपोर्ट है। बाय हैदराबाद तो दिल नहीं जीता मेरा, लेकिन हैदराबाद की मेट्रो इतनी क्लीन, वाह 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 वाह, बड़े बड़े। बाकी हैदराबाद में ना एक बात है यार, यहाँ पे ना रेंटा बाइक रेंटा कार है ना जगह जगह पे अवेलेबल है। मेरे ख्याल से यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं, वो भी क्यों आते हैं, चार मीनार के लिए या रामूजी फिल्म सिटी के लिए हो सकता है।
मैं यहाँ से चाय ले रहा था, तो ये मेरे से पूछे क्या कर रहे हो, तो वापस हम लोग मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं और ये बार मैं अपना कैमरा बैग में रख दिया हूँ और अपने फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे सब लोग मुझे बहुत घूर घूर के देख रहे हैं, मैं कैमरा पकड़ के चल रहा हूँ, इसलिए सो मुझे शर्म आ रही है। सो इस शर्म के चलते मैंने अपना कैमरा रख दिया और फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। और वापस टिकट लेना पड़ेगा ना, और तो वापस टिकट लेना पड़ेगा अभी, क्योंकि रिटर्न टिकट हम लोग ने इसको बोले थे, बट वो बोला रिटर्न वाला शॉट यहाँ पे नहीं है, सो आप उतर के फिर से टिकट लो। सो अभी हम लोग फिर से टिकट ले रहे हैं। सो जो मेट्रो में था, हम लोग बैठने का था, घूमने का था, वो मेट्रो में घूम के भी हो गया और अब हम लोग जा रहे हैं सिकंदराबाद स्टेशन, जहाँ से हम लोग की ट्रेन है मुंबई के लिए। ट्रेन है कुछ 11:30 की और अभी टाइम हो रहा है, और अभी टाइम हो रहा है 9:20। ओ मोबाइल मोबाइल निकाला तो चीज़ दिखाना था, जो मेरा डिस्प्ले टूट गया था, तो डिस्प्ले बन गया है अभी, दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं, बट मैं बाद में कभी फुर्सत में दिखाऊंगा। सो थैंक्स टू यामिन, उसने मुझे बना के लाके दिया, थैंक्स टू यामिन भाई। सो जो मेट्रो का सिकंदराबाद स्टेशन है और ट्रेन का जो सिकंदराबाद स्टेशन है, तो उसमें कुछ डिफरेंस है, बट ये लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एक पब्लिक ब्रिज बनाया है चलने के लिए, सो अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़। सिकंदराबाद आया और इस सिकंदराबाद की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगा है अभी, वो ये लगी है कि यहाँ पे ना मैंने 3 या 4 मिनिमम मंदिर और मस्जिद को ना बाजू में देखा हूँ। मैंने वीडियो नहीं लिया, बट आप लोग भी कभी आओगे तो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास ही देखना, जहाँ पे ना 7 मंदिर है 7 मस्जिद है। सो यहाँ पे एक चीज़ मुझे क्लियर हो गया कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में कुछ भी मतलब जो फाइटिंग है या लफड़े होते हैं वैसा कुछ भी नहीं है, सब अपने में मस्त है, एकदम रिस्पेक्ट करते एक दूसरे की, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा सिकंदराबाद में। कतर में ना ये नहीं मिलता है यार, इसके बदला कैन आता है बट ये नहीं मिलता है। सो हैदराबाद में मिल गया, मैं पी लिया। मुंबई में भी मिलता है बट मुंबई में इतना टाइम नहीं है सब पीने, बाकी यहाँ पे टाइम था इसके लिए पी लिया, पीना चाहिए, अच्छी चीज़ है। तो अभी होटल चलते हैं और होटल के रोड पे ही हूँ मैं, क्योंकि अभी मुंबई जाने का टाइम हो गया है और हैदराबाद बस एक लास्ट बार अब आऊँगा मैं बस एक चीज़ के लिए, वो चीज़ है रामू जी फिल्म सिटी। अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा तो आऊँ। बिरयानी तो मैं मिनिमम है ना अभी एक 3 या 4 खाऊँगा ही नहीं, क्योंकि ये 3 में सिर्फ बिरयानी खाई। बात मेरे जो ये हेयर है ना, पहले से मुझे ना कतर में ना मेरे हेयर फॉल का प्रॉब्लम था और यहाँ के पानी में तो इतने बाल गए हैं क्या बताऊँ मैं। सो इसके लिए हैदराबाद जब आना है तो अपने बाल में जो भी क्रीम व्रीम या ऑयल वॉयल है वो सब लगा के आना और लेके आना साथ में। और ब्लॉग करते करते मेरे कैमरे की बैटरी ख़त्म हो गई और अभी हम लोग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे मेरा बैग है और स्टेशन का नाम है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। 11:30 का ट्रेन है, तो मैं ट्रेन में बैठ के थोड़ा एडिट करने का सोच रहा हूँ, बट मेरे पास मेरे जो चार्जर का जो सॉकेट है वो नहीं है, सो इस वजह से एडिटिंग नहीं हो पाएगा, बट फिलहाल जो भी होगा अच्छा होगा। और रही एक बात और बता देता हूँ, अगर हैदराबाद आप लोग आ रहे हो तो अपने साथ में अपने हेयर का क्रीम या ऑयल ज़रूर लेके आना, नहीं तो आपके बाल आपके हेयर जो है वो जो बर्तन धोने का काता आता है ना वैसा आपका हेयर हो जाएगा। सो इसके लिए यहाँ पे बिकॉज़ यहाँ के पानी में जो अपने मुंबई में पानी है वो अलग पानी है, यहाँ का जो पानी है वो अलग है, सो इस वजह से। और ये पानी फर्स्ट टाइम ही हो रहा है अपने लिए, सो जम रहा नहीं है, वो वजह से हेयर ऐसे हो गए शायद, बाकी जो यहाँ रहते हैं जिसको ये पानी सूट हो गया है सो वो लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
तो ये व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ और मेरे फ़ोन में ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि कैमरे में चार्जिंग नहीं है, सो इसलिए थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ेगा। सो गाइस, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सिकंदर आवाज़ आओ।